देखो कुछ संग सभी मैंने आपको बताया है, आप घर पे जरूर करना, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं आपको सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है पहले उसको समझ लीजिए। फर्स्ट टाइप ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ। फर्स्ट टाइप में हम लोग को सारा सेल्स से लेकर सभी डाटा दे देता था और फिर हम लोग फॉर्मूला में उसको बिठा के निकाल रहे थे। अभी क्या करेगा आपको, अभी आपको DOL, DFL और DCL दे देगा, यानी अगर आपको ये तीनों दे देगा और आपको स्टेटमेंट बोलेगा बनाने के लिए। समझ रहे हैं, जस्ट जो अभी बना रहे थे उसका रिवर्स। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेकंड टाइप। ये सेकंड टाइप हुआ। देखो नाम फिर नहीं बोल सकते हैं हम, ठीक है, के एच एच लिमिटेड, और एक और भी है डीडी, ठीक है, सप्लाई द फॉलोइंग डाटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो देखेंगे जी दो कंपनी है, एक है के एच एच और डीडी एल जे लिमिटेड। पहले एक कंपनी का देख लो, के एच एच लिमिटेड का आपको वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40%, किसका, सेल्स का लिखा हुआ है, देखेंगे ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू दैट इज 40% ऑफ सेल्स, यानी अगर सेल्स 100 मानते हैं तो वेरिएबल हो गया 40%, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 60%, ठीक है ना। इंटरेस्ट 3 लाख, DOL 2.5, DFL 4, और इनकम टैक्स रेट भी दे दिया 35%, मतलब इनकम टैक्स रेट तक हम लोग को उतरना पड़ेगा। आपको बोल रहा है कंप्यूट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज। अरे तभी निकलेगा जब तक कि आप कैलकुलेशन करके सेल्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो आप वो स्टेटमेंट बना सकते हैं, वेरिएबल नहीं निकलेगा कैसे होगा, फिक्स निकालना पड़ेगा, यानी सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का सम्स देगा तो हम लोग को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, DFL से, कहां से करना चाहिए DFL। तो चलिए हम अभी यहां पर शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी कितना दिया हुआ, DFL, DFL का फॉर्मूला PBIT, वैसे तो हम लोग PBIT डिवाइड बाई PBT लिखते थे, बट यहां पर PBIT माइनस I लिखेंगे। कितना दिया हुआ है आपको DFL, 4 दिया हुआ है। सब कोई बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, देखो DFL 4 दे दिया है, अभी तक हम लोग DFL निकालते थे और अभी DFL 4 आपको मिल गया। PBIT नहीं पता है बट I आपको दे दिया है। रिलैक्स क्रॉस करेंगे तो 4 से ये इंटू होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 4 PBIT माइनस इजिकल टू, इस PBIT के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। देखो 4 PBIT ये इधर आ गया तो 1 लिखे या नहीं लिखे, बट मैं लिख दिया हूं 1। ये 12 लाख उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 4 PBIT में 1 PBIT चला गया तो 3 PBIT बच गया, और इसीलिए PBIT 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 तो आपका 4 लाख निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत, मिसिंग जब देगा
यानी जब स्टेटमेंट आपको बोलेगा बनाने के लिए तो आप डीएफएल से शुरू करेंगे। यहां से मेरा पहला काम हो गया, निकल चुका है पीबीआईटी। सेकंड क्या है? डीओएल। डीओएल का फॉर्मूला क्या है? सी डिवाइडेड बाई पीबीआईटी। देखो बोर्ड की तरफ DOL दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डॉल? 2.5। सी नहीं पता है बट पीबीआईटी निकला था, कितना निकला है? फिर वही, और सी निकल गया आपको, यानी कंट्रीब्यूशन 2.5 इंटू 2.5। अभी भी स्टेटमेंट नहीं बन सकता है, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे तब कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन हमको पता चल चुका है और पीबीआईटी पता चल चुका है तो बीच का एफ निकल जाएगा, इंटरेस्ट दिया हुआ है मतलब हम लोग नीचे तक उतर सकते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अब हम लोग को निकालना पड़ेगा सेल्स। देखिए सेल्स के लिए क्या बोला है, वेरिएबल 40% है। किसका? सेल्स का। कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका? लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे? सेल्स इज इक्वल टू 100। देखिए वेरिएबल आपको सम्स में दिया हुआ है, फोर्टी दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? एस माइनस बी, 100 माइनस आ गया 60। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कंट्रीब्यूशन निकला है 10 लाख वो 60% को डिनोट कर रहा है, यानी ये 10 लाख जो है ये हमको 60% को डिनोट कर रहा है। तो आप जो चाहें सो निकाल सकते हैं, अगर आप सेल्स चाहते हैं तो सेल्स निकाल लीजिए, वेरिएबल चाहते हैं तो वेरिएबल निकाल लीजिए। इसीलिए सेल्स इज इक्वल टू, ये जो कंट्रीब्यूशन है 10 लाख वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60% को। अगर आप 100% निकालना चाहते हो 100 निकाल लीजिए, वेरिएबल निकाल के फिर फायदा नहीं, अपने आप डिफरेंस में निकल जाएगा। कितना आएगा देखो, 16,60,667। बहुत सारा सिक्स आ रहा है, आया समझ में? सेल्स निकल गया, सारा कुछ निकल गया, अभी हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं। बट इसमें सिर्फ एक ही थोड़ू ना है, एक और है। देखिए डी डी एल जे, वेरिएबल एक्सपेंस 50% है सेल्स का, इंटरेस्ट 1,00,000 रुपया दिया हुआ है, डीओएल 4 दिया हुआ है, डीएफएल 3 दिया हुआ है, इनकम टैक्स 35% दिया हुआ है। तो इसका भी सब कुछ निकालना पड़ेगा। याद कीजिए मैंने सिर्फ इतना ही बनवाया था शुरू में, पहली बार में। इतना बनाने के बाद आप लोग को हम बोले थे कि आप खुद से बना लेना, लेकिन चलिए आज हम बना देते हैं। दोनों स्टेटमेंट संग संग तैयार कर देंगे। हम स्टेटमेंट तैयार करने के लिए पिछले बार आप लोग को बोल दिए थे, सेकेंड कंपनी डी डी क्या लेंगे पहले बोलो, डी एफ एल फॉर्मूला बोलो, पीबीआईटी माइनस आई। डी एफ एल आपको दिया हुआ है कितना? 3। पीबीआईटी तो नहीं पता है बट आई दे दिया है, कितना दिया हुआ है इसमें? 1,00,000 है। देखो यहां पर फिर बोर्ड में क्रॉस किए, 3 पीबीआईटी माइनस 3 हुआ 3,00,000, और यहां पर हो गया 1 पीबीआईटी, 3 पीबीआईटी माइनस 1
PBIT is equal to 3 लाख और फिर कितना रहा अब इसलिए PBIT आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना 2. इस टाइप का जब भी सम्स रहेगा आप एक बात का ध्यान रखेंगे पहले DFL लेना और DFL को लेके उससे सम्स को आप बना सकते हैं एक काम आ गया अब हम क्या लेंगे बोलो DOL फॉर्मूला बोलो PBIT अब आप खुद देखो DOL कितना दिया हुआ है 4 C नहीं पता है बट PBIT आप निकाल चुके हैं कितना निकाल चुके हैं इसलिए C निकल गया DOL अब लास्ट वन क्या निकालना पड़ेगा सेल्स क्या लिखा हुआ है वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है 50% किसका लेट करेंगे सेल्स इज इक्वल टू 100 वेरिएबल दिया हुआ है कितना वेरिएबल दिया हुआ है 6 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन निकला है ये डिनोट कर रहा है कितने परसेंट को तो आप निकाल लो आप सेल्स निकालना चाहते हैं सेल्स निकाल लो ये जो 6 लाख रुपया दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कितने परसेंट को डिनोट कर रहा है 50 को कितना होगा 12 लाख आप चाहते हैं तो वेरिएबल भी निकाल सकते हैं देखो पहले ये कैलकुलेशन सेकेंड टाइप में पहले ये कैलकुलेशन आपको कर लेना पड़ेगा कैलकुलेशन कर लेने के बाद अब हम लोग स्टेटमेंट तैयार करेंगे यहां तक हो गया सभी का जो कॉपी कर चुके हैं वो जल्दी से आप स्टेटमेंट तैयार कीजिए जो भी आप स्टेटमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बोल रहा है स्टेटमेंट तैयार करने के लिए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट हो गया ना मिटा दें जो बोला है वो लिख दीजिए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है ग्रुप इस लिख दीजिएगा बोलिए सेल्स कितना निकाले थे अभी आप पहला का निकला था 16 लाख दूसरे का 12 लाख लेस वेरिएबल वेरिएबल मेरा बैलेंस कर दे रहे हैं बैलेंस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन पता है देखो कंट्रीब्यूशन पहले का कितना निकला था 10 लाख और इसका
तो देखो ये जो डिफरेंस है वो निकल गया, अदरवाइज जहां पर आप सेल्स निकाल रहे थे वहीं से वेरिएबल नहीं निकलता क्या? वहां से हम लोग वेरिएबल भी निकाल सकते थे बट निकाल के कोई फायदा नहीं था। तो यहां पर देखिए आ गया डिफरेंस 6,66,667 और 12 लाख में 6 लाख गया तो 6 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? लेस क्या करते हैं बोलिए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। आप बोलेंगे सर ये तो नहीं दिया हुआ है ना निकाले हैं, क्या हर्जन नहीं दिया हुआ है तो ये फिर बैलेंसिंग आएगा ना, क्योंकि आप तो क्या निकाल चुके हैं पीबीआईटी, तो ये भी तो बैलेंस निकल जाएगा। पीबीआईटी पहला का कितना निकला था? 4 लाख और इसका निकला था 1,50,000। 10 में से 4 गया और 6 में से ये गया तो 4,50,000। और फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इसका दूसरा नाम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कितना दिया हुआ है? फिनेंशियल दिया हुआ है 3 लाख और तभी तो हम लोग इसको हेल्प लेके निकाले थे। तो पीबीआईटी में इंटरेस्ट चला गया तो क्या बचेगा, कितना बच गया? ठीक है, हम लोग चाहते तो यहीं तक रोक सकते हैं बट आपको टैक्स भी दिया हुआ है तो एक स्टेप और भी हम लोग को नीचे आना होगा। लेस करेंगे कितना परसेंट टैक्स है? 35%। दोनों में 35% है, 1 लाख का 35% तो 35,000 है, तो इसका कितना आएगा? 17,500। पीबीटी में से टैक्स चला गया तो क्या बचेगा? पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहला का हो गया और दूसरे का 32,500। वैसे एक बात बताइए, पीएटी के बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर प्रेफरेंस शेयर दिया रहता उसके आगे अगर परसेंटेज डिनोट रहता है, अमाउंट दिया रहता तो उसका इंटरेस्ट हम लोग यहां पर बात कर देते तो जो बचता वो क्या बचता, ठीक है।